अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम द यूट्यूब यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज दिन है हमारा संडे और अभी तकरीबन अस्सलाम वालेकुम बाबा और अभी तकरीबन टाइम हो रहा है कोई 3:30-4 बजे का। और आज हमारे घर में जैसे कि मैंने बताया था इवेंट है, छोटू का इवेंट है दावत का। तो मैं दिखाती हूँ कि क्या सीन्स चल रहे हैं। आप लोगों ने लास्ट तक के ब्लॉग देखने चैनल को भेजिएगा, पीछे सब्सक्राइब करके लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा। अभी हमने गिफ्ट पैक करना है और वो जो हमारी तरफ से गिफ्ट है वो भी पैक करना है, और जो अम्मी लोगों ने गिफ्ट देना है अम्मी बाबा ने वो तो गिफ्ट लेकर आना है। हम क्योंकि लेकर नहीं आए थे, हम सिर्फ देख कर आ गए थे क्योंकि स्पेस ऐसा कोई पास है नहीं जहाँ पर रख सकें बड़ा गिफ्ट, तो इसलिए हम लोग बस देख कर आ गए थे। तो मैं दिखाती हूँ अभी अंदर क्या सीन चल रहे हैं। यहाँ पे कपड़े वगैरह प्रेसिंग चल रहा है और मज़े की बात ये है कि अभी तक के मेरा सूट नहीं सिला। मैं दिखाती हूँ, मेरे सूट की असली रह गई, पजामा रह गया, जो मेन काम था गले का वो तो हो गया है और मेरा सूट इधर अभी रखा हुआ है बस ऐसी, अभी तक के ये हुआ नहीं है। और बाकी यहाँ पर कपड़े प्रेसिंग के चल रहे हैं सारे यहाँ पर, और यहाँ बाबा का भी सूट पड़ा हुआ है। इसके बाद फिर हमने देखना क्या करना और नीचे चल रहा है काम। ये लोग मिट्टी वगैरह डाल कर ये पानी खुश करने की कोशिश करें ताकि यहीं पे इवेंट हो जाए, और अगर यहाँ का पानी खुश नहीं हुआ तो फिर शायद हम बाहर करेंगे, और अगर बाहर नहीं कर सके तो फिर एक और जगह है वहाँ पे करेंगे हम। तो देखें यहाँ पे बड़ा स्ट्रगल चल रहा है कोई मिट्टी वगैरह का, वहाँ पर सीमेंट भी रखा हुआ है इन लोगों ने। अच्छा जी, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी चाची जा रही हैं अपने मैके क्योंकि उन्होंने वहाँ से जो है वो रेडी शेडी, यहाँ से निकल सकते हैं, उन्होंने वहाँ से जो है वो रेडी शेडी होना है, और अपने मुन्ने को भी वो वहीं से शायद तैयार करके लेकर आए, ठीक है, क्योंकि वो अपनी बहन से मेकअप वगैरह करवाएंगी। इसलिए तो मैंने कहा मैं जल्दी से नीचे जाती हूँ और जाके सामान देख लेती हूँ कि वो क्या क्या रख रही है। मुन्ना आज क्या पहनने वाले हैं? आ गई मैं, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ चाचू लेटे हुए, और यहाँ ये रहा चाची जी का सूट, प्यारा सा सूट ये चाची पहन रही हैं, खूबसूरत सा चाची, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। छोटू का रख दिया आपने सूट? नहीं ना है, ये रहा छोटू का सूट, और ये रहा मेरे गुड्डी का सूट जो कि पहनेगा, अभी सोया पड़ा है। तब प्यारा सा शलवार कमीज, पहली दफ़ा चाची है ना फर्स्ट टाइम शलवार कमीज़ पहन रहा है, और जब ये शलवार कमीज़ आया था ना हम लोग को लग रहा था बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन अब मेरे ख्याल से सही आएगा इसको। छोटा सा पजामा और छोटी सी शर्ट जो कि पप्पू की तरफ से है ना, पप्पू लेकर आई थी छोटू के लिए, छोटी पप्पू, प्यारा लग रहा है बहुत। और चाचू आप भी ब्लैक पहन रहे ना, गुड वाला सीन हो गया। ये रहा चाचू का और ये रहा चाची का, और यहाँ सारा पैम्पर पाउडर और क्या रखा हुआ है, और ये एक एक्स्ट्रा सूट, ये एक्स्ट्रा जो भी होता है पता नहीं क्या होता है इसको क्या कहते हैं, रैपिंग के लिए, बच्चे को रैप करने के लिए सारा सामान। पहले आप अपने बैग में मेकअप का सामान भरती होंगी और अपने बैग में बच्चे का सामान भरेंगी, लाइफ चेंज हो गई। चलें फिर, आप लोग कब तक आएंगे? तकरीबन 7-8 बजे तक, जब तक हम लोग भी तैयार हो जाएंगे। कहाँ से आएंगे? वहीं जाऊंगी मैं तो। अच्छा हाँ, आप तो वहीं जाएंगी ना, वहाँ हो रहा है सही जी। तो चाची जो है वो अपने मैके जा रही थी, तो उन्होंने तैयार किया और मैं ऊपर अपने छोटे से मुन्ने को लेकर आ गई सबको दिखाने के लिए। मेरे को चूजा पापा बना हुआ है, हाँ मेरे गुड्डों में शहजादा बेटा। ओके जी, तो अब हम लोग जा रहे हैं गिफ्ट लेने के लिए, मतलब हमने गिफ्ट पसंद तो किया हुआ था लेकिन देखें वही लेते हैं या क्या लेते हैं। और नीचे शायद टेंट लगना स्टार्ट भी हो गया है, चेयर्स वगैरह आ गई हैं, और हम लोगों को इतना यादगार रहेगा ना ये, क्योंकि एंड मोमेंट तक के हमारा प्लेसिंग डिसाइड हो रहा था कि हमने कहाँ पे जो है वो सेटलमेंट करनी है चेयर्स की और बाकी सारी चीज़ों की, मतलब कोई 10-20 दफ़ा जो है चेंज हुआ है कि वहाँ करना है यहाँ करना है, वहाँ करना है यहाँ करना है। अब जाके फाइनल हो गया, जब चेयर्स आ गई तब मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ अब पक्का यहीं करना है घर की तरफ, और शायद आ गया सामान, वरना तो डिसाइड ही नहीं हो रहा, यही हो रहा है ना। हाँ चलो, पता है आपको 10 दफ़ा चेंज हुआ है बीबी, 10 दफ़ा इधर उधर इधर उधर इधर उधर, अब फाइनल इधर हो रहा है। ओके जी, यहाँ पे टेंट और चेयर्स लगी हुई हैं, जब हम लोग आएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे पूरा टेंट लग चुका होगा। बस एक वहाँ पे वार्डरोब रह गई है छोटी वाली, हमें चाहिए बड़ी वाली, छोटी वाली हो गई है ख़त्म बिल्कुल, मतलब उनके पास नहीं है क्या करने के, देखते हैं बाबा जाते ज़्यादा पड़ गया यार टाइम। हमारा डन हो गया है, हम यही वाली ले रहे हैं 4 फीट वाली, सारा कुछ है, सब कुछ है जनाब, इस पे सारे स्टिक कपड़े, इसको खोल के दिखा सकते हैं, मतलब अगर टूटी भी हो या कोई और करने वाले के लिए फिर कुछ भी जुड़ा हुआ और धुआं दीजिएगा भाई को, ठीक है बहन, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे टेंट शेंट लगना स्टार्ट हो गया है सारा,
और वहाँ पे हमारे घर के बुज़ुर्ग हजरात बैठे हुए हैं और हम घर आ गए हैं जी। गिफ्ट्स हमारे पैक हो गए हैं। ये गिफ्ट जो है वो मेरी और दानिया की तरफ से है, और ये वाला बड़ा वाला गिफ्ट जो है वो पैक करके अम्मी ने रख दिया है, अम्मी और बाबा इन लोगों की तरफ से। अब जल्दी से हम लोग भी रेडी शेडी हो जाते हैं, यहाँ पे मेरे कपड़े भी पड़े हुए हैं जी। फाइनली रेडी शेडी हो गए हैं हम लोग सारे के सारे, और बाहर जो है वो हमारी लाइट्स वगैरह आई गेस ऑन नहीं हुई हैं। बाहर जैसी लाइट्स ऑन होती हैं वैसी ही मैं आप लोगों को अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी। फाइनल लुक तो पहले मेरा ये है, कंप्लीट लुक दिखाऊंगी कि मैंने क्या पहना है। वैसे मैंने यही पहना है और पजामा भी सेम वैसी ही है। बस अब लाइट्स ऑन होती है तो हमारा इवेंट स्टार्ट होगा। अभी तक मेहमान आए नहीं, चाची आ गई है अभी। चाची आ गई है तो हम जाके छोटे से मिलते हैं। असल में अभी नीचे सब भरे में होंगे ना, तो बहुत पैनिक क्रिएट हुआ हुआ होगा, सारे इधर उधर इधर उधर हो रहे होंगे, इसलिए थोड़ी देर बाद हम थोड़ा माहौल ठंड पै जाए फिर। ओके जी, मैं तो जा रही हूँ नीचे सबसे मिलने जुलने और देखने कि छोटू पापा कैसा लग रहा है हमारा। ओके, हमने इधर लगाया है ताकि सबके घर भी जो है वो कवर हो जाए और लोग भी आराम से यहाँ पर बैठ जाएँ। और ये मानो का सर है, अब भी प्यारी लग रही है। फेयर इस रानी, और ये रहे, ओहो बिल्कुल ब्लर हो गया इसके पास आते हुए कैमरा, अदीना और फिजा पता नहीं कहाँ पर है जी। तो अब सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अंदर जो है बच्चे की बरी लग गई, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं बरी, जो भी कहते हैं सामान, बहरहाल जो बच्चे के ननियाल से सारे सामान आया है जिसकी वजह से दावत अरेंज हुई है, सब कुछ लग गया है। पहले सुकून से इतमान से लग जाए, बहुत अंदर रश हो रहा है, और फिर ये हम भी अपना गिफ्ट दे देंगे छोटे सा प्यार। माशाल्लाह माशाल्लाह से सारा सामान हमारा सेट हो गया है बच्चे का, और एक बंड हो गया कि ये जो वार्डरोब है, हाँ दो सूट इधर रख दें। ये जो वार्डरोब हम लोगों ने ली थी, रख दें जाए जी आप इधर रख दें, मैं हटा रही हूँ कैमरा। जो हमने वार्डरोब ली थी वही आंटी लेके आ चुकी हैं, तो अब हमने चेंज करवानी है। माशाल्लाह सारा सामान लग गया है। ये सारा सामान जो है ये ननियाल से है, और ये एक चेयर, और ये प्लो, और आई गेस थोड़े से एक दो गिफ्ट्स इधर ही रखे हुए हैं। हाँ वो गिफ्ट्स रखे हुए, वो सब जो है वो बड़ी पुप्पो की तरफ से, जो कि पहले से उन्होंने दे दिया था। और ये मेरे बच्चे का प्यारा प्यारा सा सारा सामान, हाय हाय हाय, ये प्लेइंग मैट, ये भी हम लोग लेने का सोचे थे, ये भी ले चुके हैं ये लोग। बाकी हाँ हमारे घर वाले तो अभी दे देंगे बाद में, थोड़ी सी देर में। सही है, ठीक है जरा सा अपना इधर, हाँ जगह दें मुझे। अच्छा सही है, मुझे इधर सूट दिखा दें। एक ये सूट है प्यारा सा, और एक ये सूट है माशाल्लाह माशाल्लाह से, और ये वार्डरोब जो हमने ली थी लेकिन अब हमने वो चेंज करवानी है। ऊपर भी बलून्स लगे हुए हैं, ओ बलून बोल न्यू गिफ्ट्स हैं जी, सयाजी दे दूंगी। और नीचे ये भी रखा हुआ है, पता नहीं क्या वॉकर कहलाती है, और ये झूला, ये तो मुझे पता है इसको यूं यूं करके करते हैं। और ये बाकी सारी चीज़ें माशाल्लाह माशाल्लाह से। हाँ शूज़, छोटे से शूज़ मुन्ने के, प्यारे प्यारे से, एक ये रेड के और ये ब्लैक के, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा सामान है। अल्लाह ताला पहनना नसीब करे मुन्ने को। सारा सामान मैंने दिखा दिया, बहुत अच्छा है। अब जब हमारे घर वाले गिफ्ट देंगे तो वो दिखा दूँगे। हशर हो गया गर्मी से भैया, ब्लैक वगैरह। हाँ, ये इतने क्यूट क्यूट है, वो भी इसी टाइप का है थोड़ा सा, लेकिन कलर उसका डिफरेंट है। वाला जब वो देंगी ना तब दिखाऊंगी। और ये हमारा शहजादा बिट्टा ब्लैक कलर के ड्रेस में बहुत प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह से फुल ब्लैक बना हुआ है ये बिल्कुल, और इतनी देर से छोड़ा भी नहीं है। आप ही के साथ इसने की भी है मैचिंग। और ये बड़े पप्पा के हाथ में हमारा छोटा सा मुन्ना, दोनों ने ब्लैक ब्लैक पहना हुआ, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह 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 से दोनों। अरे चाची और चाचू दोनों ने बैठ के तस्वीरें अपनी खिंचवा ली हैं, बहुत प्यारी। अरे सया जी मुझे भी सेंड कर दिएगा मुन्ने की। अच्छा जी खाना हमारा लग गया है, आधे लोग खा रहे हैं। पप्पू पहले अभी खाने, हम फिर चाय खाने वाने खा लें। मैं गिफ्ट लेने आई थी इधर अंदर, मैं बच्चे को गिफ्ट दे देती हूँ उसके बाद हम लोग खाएंगे, क्योंकि हम तो घर वाले हैं, हम थोड़ी सी देर में खाएंगे। और मैंने अपना गिफ्ट इधर कहीं रखा था, ये रहा गिफ्ट। अभी तक के बरी हमारी ऐसी के ऐसी ही रखी हुई है। हेयर्स खाना, और मैंने खाने से पहले ही मीठा खा लिया था गुलाब जामुन, और अब मैं खाना खा रही हूँ। बेहतरीन, 12 बजे तो कुछ भी मिल जाए, बेहतरीन। बहुत सारी यहाँ पे ये लोग खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स ने मिलके बकायदा की चौथी 5वीं। हाँ 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 चिंचा।
जी तो अब हमारा इवेंट ऑलमोस्ट खत्म होने की उस पर है, लेकिन अभी गिफ्ट तो हमने खोल के रखे हैं, लेकिन जो गिफ्ट हमें पैक रैप मिले हैं क्योंकि हमारी घर से बिना उनका था मेरा और टाइम का, वो हम लोग जो है उसको खोलें, ये लोग खोलने इधर ही खोलते रहते बाकी बड़ी। बहुत मज़ा आया लेकिन सबसे ज़्यादा थकन भी हो गई, और कल है मंडे और कल से वो भी स्टार्ट रूटीन ख़त्म, दो दिन में वो ख़त्म हो गया, और इसी के साथ व्लॉग का भी करते हैं एंड, अभी चप्पल अंदर रखो, और इसी के साथ व्लॉग का भी करते हैं एंड, आई होप यू लाइक इट, मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा आप लोग का इसका व्लॉग कैसा लगा, इसी के साथ सब्सक्राइब बेल आइकन लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं बहुत जल्द आप लोगों से करना है व्लॉग में, जब तक के लिए हाफिज़।